मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में अवसर प्राप्ति करने के लिए हमें बहुत ही कामयाब इंसान बनना चाहिए। अनेक गुणों से हमें संपन्न होना चाहिए। मेरी तरफ गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के ज्ञान से, चाणक्य के बुद्धि से, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास महापुरुषों के अनुभव से अपने आप को सम्मानित करें और उनके विचारों को इन तृप्त हुई मानवता के जीवन में जो उनको तृष्णा में, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी में लीन कर दिया है। लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, धन संपदा का विनाश हो रहा है। इन सबों को समझाएं बुझाएं। नादान जंगली जानवर की तरह ये पशु प्रवृत्ति वाले लोग, इनको बताएं कि जीवन का रहस्य क्या है, सत्य क्या है। जीवन मुझे मिला है एक अवसर के रूप में, जहाँ कि हम इस पृथ्वी को बेहतर बनाएं, कि पृथ्वी को लोगों को खुशहाली दें वैज्ञानिक तरीके से, चिकित्सा, अज्ञानता का अंधकार, बीमारियों से मुक्ति, खाने पीने, घर रहने की सारी समस्याओं का समाधान, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और इसीलिए हमें अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये दारंदे पशु प्रवृत्ति वाले दुष्ट हमारे इस रॉटवाइलर की तरह क्रोधित रहते हैं, अपने शक्ति का इनको अहंकार और घमंड होता है। ये रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, हिटलर जैसे, अलेक्जेंडर जैसे दुष्ट लोग ये आतंकवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह, आक्रांताओं की तरह लोगों का सर्वनाश करते हैं। बदतमीजों, नालायकों, मैं उन लोगों के लिए संबोधित कर रहा हूँ जो इस विचारधारा के हैं। देश की सुख शांति को मिटाने के लिए तरह तरह के अपराध करते हैं, समाज को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र पर बांटते हैं, दुनिया को पावर के आधार पर संतुलित बिगाड़ते हैं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ मेरे भाई, मैं इन विचारों के खिलाफ हूँ जो हमें अवसर जीवन में मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर देते। जीवन का एक ही लक्ष्य है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई नो सुमृत तो वृथा मरे बिरथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यही मेरा संबोधन है, यही मेरा ज्ञान है। प्यार से जियो, पोथी परे परे जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्यारे दोस्तों, प्रेम करना सीखो, प्रेम ही जीवन है। इसीलिए तो योग विद्या सीखता है ये योगी, फकीर योगी, वृंद्र योगी तुम्हें बताना चाहता है। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में प्रगतिशील रहो। खुद जियो, दूसरों को जीने दो, दूसरों के आंसू पोछने की भावना पैदा करो। मैं जानता हूँ हो सकता है इन जहरीले नाक को जहर फैला हो, ये विचार से आया है। इनकी बुद्धि को बचपन से ही सुदृढ़ करना चाहिए, सुविचारू होने चाहिए, जिसमें मेरी तरह प्रेरणा पैदा हो। धन्यवाद करता हूँ। अगर एक बार अवसर चला गया दोबारे नहीं मिलेगा। ये अवसर है मैं लोगों की आँखों पोछने के लिए, लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए, लोगों के जिद में शांति और खुशहाली का भाव पैदा करने के लिए, क्योंकि यही जीवन है और यही जीवन का उद्देश्य है। सारे ज्ञानवान विचारवान हमारे बुद्धमान दोस्त थे, उन्होंने यही कहा कि जीवन का लक्ष्य केवल पशु प्रवृत्ति से स्वार्थ में लीन रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि हम दूसरों के जिंदगी में खुशहाली पैदा करें, सबों को सफल होते हुए, तरक्की करते हुए, उन्नतिशील होते हुए देखें। लेकिन लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होता है और जंगली जानवरों की तरह बाघ, शेर, चीता, इन इत्यादि जघन्य कुकर्मों करने वाला जो प्राणी है, जो दूसरों का सर्वनाश करता है, यही तो कर रहा है समाज में। मैं ऐसे अनेक गद्दारों को जानता हूँ, लोभ इतना है कि दूसरे का जमीन देखा तो कब्जा करना चाहा, दूसरे का धन संपत्ति देखा तो लूटना चाहा, दूसरे की स्त्री देखा, इतिहास के पन्नों को पलट के देखो, माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, उनके परिवार जनों को हत्याएं की गई, हिंदुस्तान इसका साक्षी, इतिहास के पन्ने को देखो। इन आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में किस तरह से खून की नदियां बहाई, ये हिटलर जैसे दुष्ट लोग ने वर्ल्ड वॉर वन और टू लड़ाई लड़ी और अभी ये दुष्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। पुतिन हो, बाइडेन हो, या माइक्रोन हो, या मैक्रोन हो, ये सारे देखो किस तरह से यूक्रेन में एक मल्लयुद्ध शुरू कर दिया है, भड़का भड़का के इस जेलेंस्की जैसे गद्दार, अज्ञानी, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित लड़ा रहा है, पुतिन से पिटवा रहा है और दे रहा है पीछे से सही
आग में घी डाल रहा है। जागो मेरे भाई, मैं सबों से प्यार करता हूँ। प्यार करने के लिए अपनी मानसिकता को बदलो, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति हैं दूर कर दो। हमारा दिमाग ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है कि बुरा ही है। जैसा सोच वैसे बोल, वैसे आचरण, वैसे संस्कार, वैसे हमारी परिस्थितियाँ। अंग्रेजी में बोल दूँ, द वर्ल्ड इज योर कैलेडोस्कोप एंड द वेरियस वेरिंग फॉर्म्स ऑफ कलर व्हिच एट सक्सेसिव मोमेंट्स इज प्रेजेंट टू यू आर द एक्सक्यूजिवली एडजस्टेड पिक्चर्स ऑफ योर ओन इवॉल्विंग थॉट्स। कहने का मतलब कि दुनिया एक मिरर की तरह है, एक आईने की तरह है, जिस तरह से तुम्हारे सोच दिमाग में आएंगे उसी तरह से तुम्हारा संस्कार बनेगा। जो लोग काम क्रोध मद लोह मोहिषा द्वेष नफरत नाराजगी से अपने दिमाग को प्रदूषित करता है, दूषित करता है, मलिन करता है, उसका आचार विचार संस्कार रावण कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन हिटलर जेलेंस्की जैसा हो जाएगा। लेकिन जो विचार मेरी तरह सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम का हमेशा पाठ पढ़ता है और लोगों को भी प्रेरित करता है, उसका दिमाग बुद्ध जैसा हो जाएगा और सारे कुरीतियों का सारे कुविचारों का शुद्धिकरण हो जाएगा। और इसीलिए तो मैं आपका सेवक हूँ, हर एक की आँखें पोसने की तमन्ना रखता हूँ, हर अवसर का सदुपयोग करना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोग हमारे जीवन में आए दोबारे लौट के नहीं आएंगे, मैंने उनके लिए क्या किया, मैंने उनके लिए कितना कुर्बानी दी, उनको कितना सम्मानित किया। हम अपने कर्मों से जीते हैं, ये लंबी सहस्र कोटि आयु वर्षों से नहीं जीते मेरे भाई। हमको यो याद करते हैं, इतिहास के पन्ने को पलट कर देखो, जिन्होंने जीवन का एक एक क्षण, खून का एक एक कतरा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया, उनकी संख्या और तादाद अलग हो सकती है। वो वैज्ञानिक कलाकार हो सकते, वो हमारी तरह आपके शुभ चिंतक और सेवक हो सकते, वो बुद्ध और विवेक हो सकते, वो सोक्रेटिस हो सकते, वो आइंस्टाइन न्यूटन जेलेंस्की हो सकते, नहीं जेलेंस्की नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, स्टीफन हॉकिंग्स, ये दुष्ट आ जाते। देखिए तो आओ मेरे दोस्तों, सही रास्ते चलें और अपने साथ सबको लेके चलें और उनकी खुशी में अपनी खुशी देखें, यही जीवन का उद्देश्य है।